नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है साथियों, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कारण ये है क्योंकि आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों, भीमराव अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी और विदेश नीति जो है सेकेंड ग्रेड में बिल्कुल आपके टॉपिक है, और भीमराव अम्बेडकर और नेहरू दोनों ही फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके टॉपिक है। इसके अलावा महात्मा गांधी और भी है, तो काफी सारे क्रांतिकारी तो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब जो और व्यक्तित्व बाकी रहे हैं इन एक दो दिन में अपन वो भी पढ़ लेंगे। तो ये कुल मिला के दोनों ही, इसीलिए आपके लिए टेलीग्राम पे मैसेज डलवाया था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उससे पहले साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी पुस्तक लिखता हूं तो मैं उसकी कोई मतलब ये मान के नहीं चलता हूं कि मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है या क्या। मैं बस ये सोच के लिखता हूं कि यदि मैं इनकी जगह तैयारी कर रहा होता तो मुझे किस चीज की आवश्यकता किस समय पड़ती, क्योंकि तैयारी के विभिन्न चरण होते हैं और उन विभिन्न चरणों में स्मार्ट स्टडी की बहुत अहमियत रहती है। तो किस चरण में किस चीज की आवश्यकता पड़ती, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पुस्तक लिखता हूं। और आप लोगों का इस पे जो प्रेम दिखाया गया है, आप लोगों का जो प्रतिक्रिया और जो प्रेम मिला है लॉन्च करते ही, बहुत अच्छा लगा जानकर, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पूरी उम्मीद है कि ये पुस्तक आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, खासकर इन अंतिम दिनों में, क्योंकि ये आपका समय निश्चित रूप से बचाने वाली है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जो समय नहीं मिला, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कहने के लिए नहीं, वास्तविकता में ये पहुंचाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। चलिए, भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, भारतीय संविधान जैसे ही दिमाग में आता है, और एक व्यक्तित्व दिमाग में आना ही आना है, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बहुत विद्वान थे, इन्हें लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 से अधिक डिग्रियां इनके पास में थी। कुशाग्र बुद्धि थे, व्यक्तित्व के धनी थे, और बहुत सारी इनके अंदर विशेषताएं थी। ठीक है, अब चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, संविधान निर्माण बहुत चरणों से गुजरा और बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे थे। तो अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ये इनके माँ बाप की आखिरी और 14वीं संतान थी, और एक गरीब परिवार से उभर के अपने आप को संघर्षों से इन्होंने पढ़ लिख के इस काबिल बनाया कि आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। मरणोपरांत आपको 1990 में भारत रत्न भी मिला, और बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी खूबियां जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाता है, उनको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है साथियों, तो भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है साथियों, वो 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी के अंदर हुआ। ठीक है, महू एमपी के अंदर आपका जन्म होता है 1891 के अंदर। देखो, 14 अप्रैल को ही जन्म हुआ है, और ये 14वीं संतान थे। ठीक है ना, इनके माँ बाप की भी ये 14वीं संतान थे, तो मतलब एक पढ़ने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, ये इनका ओरिजिनल फोटो है यहाँ, है ना, ये विवाह लिख रखा है। इस विवाह को काट के आप उपनाम लिखे, ठीक है, उपनाम या उपाधियां, ठीक है ना, क्योंकि विवाह जो है वो अपन ने नीचे ले लिया है, तो स्लाइड बनाते समय मेरे से चूक हुई है यहाँ, तो यहाँ उपनाम लिखे। उपनाम महाड़ का महात्मा कहा गया, क्योंकि महाड़ में जल सत्याग्रह आपने चलाया था। हिंदू समाज का लिंकन कहा जाता है, दलितों के मसीहा कहा जाता है इनको, आधुनिक काल का मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक या निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। इतने सारे इनके साथियों उपनाम है अंबेडकर जी के। ठीक है ना, तो ये इनमें से कुछ भी पूछा जाता है, हालांकि ये आप आसानी से याद कर लोगे और आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा, और ये चीजें जो है बहुत जल्दी साथियों याद हो जाती है। और प्रश्न जो आपके बनते हैं वो मैं आपको यहीं से बताने वाला हूं। इनके 2 विवाह हुए, ठीक है ना, कई जनों को इसमें मतलब मैंने देखा है कई विद्यार्थियों को कंफ्यूज होते हुए, जब पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती तो कंफ्यूज होते हैं। कई जने कहते हैं कि नहीं सर, इनका विवाह तो रमाबाई से हुआ। कई जने कहते हैं नहीं सर, इनका विवाह डॉक्टर शारदा कबीर से हुआ, इनकी पत्नी का नाम शारदा कबीर है। इनके 2 विवाह हुए, तो रमाबाई का विवाह है साथियों, वो बहुत कम उम्र में इनका विवाह हो गया था, और रमाबाई की मृत्यु के बाद में जो इन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उस पे ही अपन चलेंगे, क्योंकि वैसे तो अंबेडकर जी ऐसा व्यक्तित्व है
जिनको अपन 8-10 क्लास में भी पढ़ते हैं, तो वो क्योंकि इनके ऊपर तो कई सारी किताबें लिखी गई है, तो वो कहीं भी पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन अपन एग्जाम की दृष्टि से इस क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सतारा हाई स्कूल के शिक्षक अंबेडकर, देखना ध्यान रखना इनका नाम कैसे पड़ा अंबेडकर। सतारा हाई स्कूल के एक शिक्षक थे जिनका नाम था अंबेडकर, ये इनसे बहुत प्रेम रुचि रखते थे इनके अंदर, हालांकि इनके नाम से संबंधित बहुत सारे मत प्रचलित है, लेकिन ये जो है अपने इन शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। तो इन शिक्षक से प्रेरित होने के कारण अब इनको हमेशा ही अपने जहन में रखने के कारण इन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाना शुरू कर दिया। तो विशेष रूप से प्रभावित थे इसलिए इनके नाम के आगे अंबेडकर लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। सबके अलग अलग देखो कहानियां होती है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो सर्वपल्ली उनके गांव का नाम है, तो वो गांव का नाम आगे लगाते हैं, ठीक है ना। एक आप यदि राजस्थानी लेखक पढ़ते हो तो चंद्रवीर सिंह बिरकाली पढ़ते हो, तो बिरकाली भी गांव का नाम है। इस तरीके से बहुत सारे आपको नाम मिलते हैं, यदि आप अपने इस अध्ययन के क्षेत्र में देखो बहुत सारे नाम मिलेंगे जहां पे आपको इन तरीकों से याद रखना है, ठीक है ना। एक विशेष छात्रवृत्ति, अब यहां पे साथियों समझना, यहां पे दो तथ्य आपके निकल के आएंगे, क्योंकि यदि आपने अच्छी गहन अध्ययन नहीं किया है तो आप ये आपको ये पूछा जाता है कि अंबेडकर जी को विदेश अध्ययन के लिए किसने भेजा। अब यहां पे साथियों ये ध्यान रखना है कि अमेरिका अंबेडकर जी अलग छात्रवृत्ति पर गए थे और लंदन अलग छात्रवृत्ति पर गए थे और अलग अलग समय में गए हैं, ठीक है ना। यहां पे यही वो कहते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड वाला यही चीज है, ठीक है ना। देखो विशेष छात्रवृत्ति से अध्ययन हेतु अमेरिका गए, कहां गए, अमेरिका गए, किसने भेजा, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने, ठीक है ना। बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा सयाजी राव तृतीय ने इनको कहां भेजा, अमेरिका भेजा। और लंदन अध्ययन हेतु किसने भेजा है, कोल्हापुर के साहू जी महाराज की सहायता से ये लंदन अध्ययन हेतु गए। इसके बाद में अब यहां पे तो इनकी मतलब एक डील हुई थी, एक एग्रीमेंट टाइप था कि आप वहां से अध्ययन करके आएंगे, ये जो गायकवाड़ थी इन्होंने भेजा था ना, आप वहां से अध्ययन करके आएंगे तो आप यहां पे जो है आपको कुछ सेवाएं देनी पड़ेगी। तो इनके सचिव के तौर पर इन्होंने काम भी किया था वहां से अध्ययन करके आने के बाद, उसके बाद में ये लंदन जाते हैं अध्ययन के लिए। तो यहां पे देखो दोनों में से आपको याद कैसे रखना है, आपको एबीसीडी तो आती होगी, बस यही याद रखना है, ए से आपके आएगा अमेरिका और बी से बड़ौदा, ठीक है ना। बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ तो हिस्ट्री यदि थोड़ी बहुत पढ़ी है तो अच्छी तरीके से याद रहता है, मराठों के समय में ये अलग अलग थे, ठीक है ना, होलकर गायकवाड़ ये सब। तो ए से अमेरिका भेजा किसने, बड़ौदा के गायकवाड़ ने भेजा, ठीक है। और लंदन भेजा है किसने, साहू जी ने। तो यहां पे यदि और इसको आसान करना चाहो याद करने के लिए, तो सा यानी कि साहू जी और ल यानी कि लंदन भेजा है, ठीक है। ये हो गया आपके कंसेप्ट क्लियर और इसके साथ में आपको हो गया याद। तो हर चीज की मैं बताता हूं ना, कई जने कहते हैं कि सर आपके उस बुक से इस बुक की तुलना किसी की नहीं की जा सकती, बुक से क्लास की, क्लास से बुक की, इन सबसे टेस्ट सीरीज की किसी की किसी से तुलना नहीं होती, सबका अपना अपना महत्व है। अब ये चीजें जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ चुकी है और इसीलिए आप देखते भी हो ताकि आपको याद हो जाए। और यदि ऐसी क्लासेस मैं समझता हूँ यदि किसी कोचिंग में भी यदि कोई पेड कोर्स में करवा रहा होता तो आप सबसे पहले जाकर उनका कोर्स खरीद लेते, हालांकि अपने यहाँ पे खरीदने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ तो सभी बिना कहे ही खरीदा हुआ है, सब कुछ आप लोगों के लिए खुले दरवाजे हैं, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो और अपने सपनों को साकार करो बस। और जचे थाने जचे अगर क्या, हाँ गुरु जी को कहीं 2-3% 5% गौरव सिंह जी सर का भी हाथ था तो कोई मिठाई खिलाने आ जाना, फोटो वोटो खींचना साथ है और बस पट गयो काम, ठीक है। चलिए 1927 में साथियों ध्यान देना, ये पूछा जाता है जल सत्याग्रह, 1927 में जल सत्याग्रह कहा, जल सत्याग्रह किया है, कहां किया है, कोलाबा के महाड़ क्षेत्र के अंदर, इसलिए महाड़ का महात्मा कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना, महाड़ क्षेत्र में और चौदार तालाब, ये याद रखना, ठीक है। अब कई जगह सीधा यही कहते हैं कि महाड़ में जल सत्याग्रह किया, सिर्फ इतना दे दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है यहां पे क्या है, दलित वर्ग के साथ में भेदभाव किया जाता था पानी पीने के नाम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जल सत्याग्रह करके इनको अधिकार दिलाया, मंदिरों में जाने का भी अधिकार दिलाया और बहुत सारे इन्होंने ऐसे आंदोलन किए थे। तो चौदह तालाब पर इन्होंने
जल सत्याग्रह किया, ठीक है। 1927 में ही इन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था, तो यह भी पूछा जाता है, ठीक है ना, इसमें सन इंपोर्टेंट है, ठीक है, यह ध्यान रखना। पूना पैक्ट, अब पूना पैक्ट जो हुआ है साथियों गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ है, और दलितों की सीटों से संबंधित प्रावधान था। तारीख पूछी जाती है 25 सितंबर 1932 के अंदर, ठीक है ना, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पूना पैक्ट आपको मैंने राष्ट्रीय आंदोलन जब रीट के अंदर पढ़ाए थे तो उसके अंदर पूरा पढ़ाया था, और इसको अपन और भी व्यवस्थित रूप से और पढ़ेंगे। गांधी जी के अंदर अपन राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे गांधी जी पढ़ेंगे ना अपन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को पढ़ने वाले हैं वापस क्रमबद्ध तरीके से, तो उस क्रमबद्धता के अंदर आपके पूना पैक्ट वापस आने वाला है, तो उसको व्यवस्थित अपन पढ़ेंगे कि भैया कहां पे कितनी सीटें थी, किसको बदल के क्या किया गया, इनके बीच में पूना पैक्ट की क्या शर्तें थी वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज जो साथियों यहां है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना मैं कह रहा हूं यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं ना आपको, एक तो होता है फेवरेट, एक होता है हॉट फेवरेट, तो ये हॉट फेवरेट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये उसके अंदर आता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सवाल बना है और अब भी बनने की संभावना इतनी ही रहती है, तो बहिष्कृत यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ताकि सवाल बनेगा ना तो मेरे बताने के लिए आसानी रहेगी। देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ऐसे स्क्रीनशॉट डालने का मजा आता है, ठीक है, तो यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 में इसका गठन किया गया, और यही पूछा जाता है, एक तो यह पूछा जाता है कि इसका गठन अंबेडकर जी से संबंधित है या नहीं है, दूसरा इनकी तारीख पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना 20 जुलाई 1924। 1947 में मंत्रिमंडल में ये कानून मंत्री कानून मंत्री भी रहे हैं। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के, भैया संविधान का प्रारूप कैसा होगा, वो समिति बनाई गई, और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी थे। 14 अक्टूबर 1956 को, अब 1956 में ही आपकी मृत्यु होती है, यानी कि इनका स्वर्गवास जो है साथियों वो भी 1956 को ही हुआ, उससे जस्ट पहले, दिसंबर में स्वर्गवास होता है, उससे जस्ट पहले आप हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, और इनके साथ साथ लाखों लोग जो है ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं इनके साथ में, ठीक है ना। तो 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया, और यहां भी तारीख 14 है, ध्यान रखना। दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका जो समाधि स्थल है साथियों वो चैत्य भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? चैत्य भूमि। चलो थान बताऊं चैत्य भूमि, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। ये देखो ये चैत्य भूमि, ठीक है ना, ये चैत्य भूमि, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चैत्य भूमि स्मारक चौक, ठीक है ना, ये चैत्य भूमि है, ये देख लो ये पूरा का पूरा, यदि कोई वहां गया हुआ भी है दादर मुंबई वाला, तो ये कोई गया हुआ भी है तो उनको पता होगा, ये आप जो पीछे देख रहे हो ये चैत्य भूमि यानी कि आपका समाधि स्थल है अंबेडकर जी का, ठीक है ना। चलिए अंबेडकर जी के कुछ समाचार पत्र और पुस्तकें पूछी जाती है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखने हैं, सीधी सीधी पूछ ली जाती है कई बार। तो अंबेडकर जी के समाचार पत्र जो है साथी उसमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये सारे तो है इनके समाचार पत्र, और पुस्तकें तो मतलब बहुत सारी है, पुस्तकें तो खूब है, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, और इसके अलावा भी आप यदि आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज है, क्योंकि खूब सारी है, 25-30 मैं यहाँ पे पूरी बता भी नहीं सकता, और बताऊंगा तो भी आपको सीधी याद करनी है, ठीक है ना। तो इसमें से देखो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, जब इन्होंने पीएचडी की अर्थशास्त्र के अंदर, तो उनका पीएचडी का ये इस पर पीएचडी भी की इन्होंने, ठीक है ना, तो पीएचडी का ये इनके सब्जेक्ट भी रहा है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। वो वर द शुद्रास ये लिखी, द अनटचेबल्स, ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा, और रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, ठीक है ना, कास्ट इज कास्ट इन इंडिया, और इसके अलावा भी साथियों बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। तो जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जहां पे आपको याद करने की जहां ज्यादा जरूरत है, जहां पे आपके वास्तव में प्रश्न बनते हैं, उस पे अपन ने जोर दिया है, ठीक है ना, तो वो वास्तव में हकीकत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के अंदर जो एक तो ये बहिष्कृत वाला ये बहुत जरूरी याद रखना, ठीक है, और ये अब जो है प्रश्न बनते हैं इससे कई बार कि ये किन की छात्रवृत्ति से या कितनी वहां पे गए थे, ठीक है, तो ये चीजें बनती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं साथियों अपन जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले विदेश मंत्री, बहुत सारी उपाधियां इनके पास में, बहुत सारे पद। जन्म 14 नवंबर 1889, यहां पे भी 14 तारीख,
मृत्यु 27 मई 1964, ठीक है। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, वो नेहरू रिपोर्ट वगैरह जो थी मोतीलाल नेहरू जी के इसके अंदर ही थी इनके साथ में, ठीक है ना। माता स्वरूप रानी, पत्नी कमला नेहरू, पुत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। ये तो रहा सामान्य परिचय, और ये लगभग आप सभी लोग जानते हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो इतनी जानकारी होनी चाहिए जब आप एग्जाम पास में है, ठीक है। अब देखो, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा बने बांकीपुर 1912 में, ध्यान देना, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा बने आप 1912 में बांकीपुर अधिवेशन। अब कह जाना कि गुरु जी थे तो कोटो पढ़ाओ, मैं तो लाहौर अधिवेशन पढ़ी ओडो, थे कहो के बांकीपुर अधिवेशन, आप तो गलत पढ़ाते हो। अब ये समझ का फेर है, ये थोड़ी सी गहराई में उतरने का फेर है, और सिर्फ मतलब जो लैंग्वेज लिखी हुई उसको पढ़कर समझने का फेर है, सिर्फ अधीरता है। धैर्य के साथ में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान चीज है, कि यहाँ पे कहीं भी अध्यक्ष लिखा हुआ नहीं है कि आपने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल कब हुए, यही चीज घुमा फिरा के आती है, यहीं पे आपके लाहौर दे देंगे, आप उसको ठोक के आ जाओगे और गलत हो जाएगा, वहां पे राजी हो गए गणेश, ठीक है ना। गणेश राजी हो बेटे एग्जाम वाले, मस्त सवाल आ गया मेरा तो एकदम सही, ठीक है। और वहां तक कॉन्फिडेंस रहेगा, जैसे ही बाहर आओगे दो चार जने मिलेंगे, धीरे धीरे बकरी आएगी डिब्बे में, ठीक है ना। अरे ये तो यार ध्यान ही नहीं दिया इसमें, तो ऐसा पूछा था, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तब अपन जब एग्जाम देके आते हैं, अपन को लगता है कि 100% अपने सही है, तभी तो अपन करते हैं उसको। जैसे बाहर आते हैं 80% पे आ जाते हैं, जैसे घर तक पहुंचते 60-65% पे आते हैं, और कई जने तो बैक टू पेवेलियन, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, यदि इन चीजों को सुधार दोगे तो आपके 100-125 हो जाएंगे। 1924 से 26 तक इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। अपने जीवन काल में साथियों देखो 3,259 दिन तो जेल में ही रहे, क्रांतिकारी थे, राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यहां 3,259 दिन का मतलब है लगभग 9 वर्ष से अधिक, ठीक है, 9 वर्ष से अधिक। देखो ये भी एक तरह की उपलब्धि हो गई कि 9 वर्ष से अधिक समय इन्होंने देश के लिए जेल में गुजारा है, ठीक है ना, बहुत सारे जेलों के अंदर, और जेलों के अंदर किताबें भी खूब सारी लिखी। जैसे देखो अल्मोड़ा जेल के अंदर अपनी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी, अल्मोड़ा जेल के अंदर लगभग 31 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, और ये जो है ये अहमदनगर के कैदियों को ही समर्पित थी, ठीक है ना, अहमदनगर के कैदियों को समर्पित। अहमदनगर के कैदियों को समर्पित थी, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये चीज अपनी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अपनी धर्मपत्नी के, देखो अपनी धर्मपत्नी, अब ध्यान रखना आपके किसी के धर्मपत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए ना, तो बहुत बढ़िया जगह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अपनी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य वर्धन के लिए मार्च 1926 से दिसंबर 1927 तक आप स्विट्जरलैंड में रहे, क्यों स्विट्जरलैंड, भारत का मतलब दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, तो वहां पे जाके रहे थे आपकी पत्नी के स्वास्थ्य वर्धन के लिए। मैं खटका तो जो रहा हूं नेहरू जी ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार अध्यक्षता की। अब ध्यान रखना बांकीपुर और लाहौर के अंदर अंतर है, ठीक है ना, बांकीपुर और लाहौर में अंतर है। बांकीपुर के अंदर पहली बार सदस्य बने, पहली बार हिस्सा बने, लाहौर में पहली बार अध्यक्षता की। आप ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और दादाभाई नौरोजी ने भी 3 बार की है, ठीक है ना, कुल 3 बार अध्यक्षता की। सबसे पहला लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर, लखनऊ अधिवेशन 1936 के अंदर, और फैजपुर अधिवेशन 1937 के अंदर। और ये जो फैजपुर अधिवेशन है वो एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है, ठीक। भारतीय विदेश नीति के जनक रहे, भारतीय विदेश पर प्रथम भारतीय विदेश मंत्री भी रहे, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री रहे। अब पंचशील समझौता है, आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कह दो, और बहुत सारी चीजें जो विदेश नीति का अपन एक अलग से क्लास आपको देंगे, उसके अंदर पूरी विदेश नीति पे ही बात करेंगे। तो यहां पे ध्यान रखें कि भारतीय विदेश नीति के जनक रहे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले विनोबा भावे और दूसरे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं, और पंचशील सिद्धांतों के जनक रहे हैं। सीधी सीधी प्रश्न है, डायरेक्ट
सीधे सीधे प्रश्न और सीधे सीधे ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब देखो, चाचा नेहरू के नाम से, अब है ना, बच्चे बच्चों से बड़ा प्रेम रखते थे, और बच्चे जो किसी को देखो, अब अपने जैसे यूं ही टावर है तो अंकल अंकल करे, पहला कहते चाचा, ठीक है, हम चाचा को ज्यादा जना कह कौन, अंकल अंकल जी यहाँ कह दिया करे, ठीक है ना। तो चाचा नेहरू गुलाब डाल के रखते थे हमेशा कोट की जेब में, चाचा नेहरू चाचा नेहरू, बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे, इसलिए इनका जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सन ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी 1934 में, जिसका प्रकाशन हुआ, ठीक है ना, प्रकाशन 1934 में हुआ, अपनी पुत्री के, अपनी पुत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, अपनी पुत्री को लिखे 176 पत्रों का संकलन था। देखो आदमी बड़ा बया तो पत्र लिखे बड़ा बया भी किताब रूप में छप जा, ठीक है, और ये चीजें हैं। तो इसके अंदर ये पूछा भी जाता है कई बार प्रश्न, ठीक है। तो 176 पत्रों का संकलन था। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जो अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो भी थोड़ी सी ध्यान रखना, Towards Freedom, Visit to America, A Bunch of Old Letters और Discovery of India, ठीक है ना। समाधि स्थल जो है साथियों वो शांतिवन कहलाता है, और वास्तव में आप शांतिवन का फोटो भी देखो तो आपको लगे कि वास्तव में शांतिवन है। बताऊं क्या, ये देखो, ये जो है नेहरू जी की समाधि स्थल है जिसे शांतिवन कहा जाता है। आप देख सकते हो कि देखकर ही कितनी शांति मन को मिलती है, तो ये शांतिवन है, ठीक है ना। तो ये भी आपको स्लाइड में मिल जाएगा, यदि आप जानकारी के लिए, आपके मतलब ये जो देखी हुई चीजें हैं जो आपने आंखों से देख ली, तो यानी कि वो आपकी स्थायी स्मृति में जा चुकी है। अब आपको पूछेंगे चैत्य भूमि शांतिवन, आपको मतलब यूं कहो कि ये याद हो चुकी है, ठीक है। तो ये साथियों जो है अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास वो भी पूरी हो गई, और जो तथ्य आपको चाहिए थे, जहां पे जो चीजें याद करनी थी, वे चीजें आप लोगों के पास में आ चुकी है, ठीक है ना। मैं आपका कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं यहाँ पे कोई ज्यादा स्टोरी वगैरह नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं ना, तो वास्तव में समय की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों के जो मक्खन आपको चाहिए वो मक्खन आप तक पहुंचा दिया है, अब आप लोगों का काम है इसे याद करना, भुनाना, अभ्यास करना वगैरह, जो भी चीज है, यानी कि जो फैक्ट आप लोगों के पास नहीं थे, जो चीजें याद नहीं हो रही थी, तो वो चीजें याद होने लग जाएगी और फैक्ट भी आपके पास में पहुंच जाएंगे। साथियों अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।